हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फॉर्म्स के ऊपर बात, जो कि हम HTML के अंदर क्रिएट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो बेसिक टैग हम यूज़ करते हैं एक फॉर्म को बनाने में, उनको देखेंगे। हम CSS पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज HTML पर बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम CSS, देन इसके बाद हम इसी फॉर्म के ऊपर हम JavaScript लगाएंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप VS Code वगैरह आपने सब इंस्टॉल कर लिया हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अदरवाइज़ आप VS Code और ये सारी चीज़ों को पहले इंस्टॉल कर लें। ओके, अभी मैं MacBook यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ पे हो सकता है कुछ कमांड्स ऐसी हों जो इसमें अलग हैं, आपके में अलग हों, लाइक अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बॉयलर प्लेट कोड हमने यहाँ लिख लिया है। बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सब तो बनाना ज़रूरी है, टाइटल टैग, ये सब तो बनाना, मतलब बेसिक चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसलिए हमने इसको बॉयलर प्लेट की तरह रखते हैं ना। हम अगर आपको अपने VS कोड के अंदर इसको यूज़ करना, तो आप पहले सारी की सारी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और एंटर करना है, और वो यहाँ बॉयलर प्लेट लिख देगा। ओके सर, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्म को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम साथ साथ यहाँ लाइव सर्वर भी ऑन कर लेते हैं, तो हम लाइव सर्वर चेक करते रहेंगे। ओके, दिस इज़ अवर पेज, यहाँ डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब है हमारा जो पेज है वो रनिंग में है ना। हम यहाँ पे अब कैसे इसमें स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, हाई लिखते हैं, चेक करते हैं ये रन हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये रन हो रहा है। ओके, सो फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म का कोई एक्शन नहीं रखेंगे अभी के लिए। ओके, सेव। नाउ सबसे पहले होता है हमारे पास कि हमको जो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो कैसी होती हैं, वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम सर्च करते हैं HTML फॉर्म डिज़ाइंस। ओके, हम आइडियाज़ देखते हैं वहाँ पे होते हैं, आपको फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसी चीज़ होती है। ओके, सो हम आइडियाज़ देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक बेसिक हमारा एक HTML पेज है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट नेम आ गया है। इस इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हमको लिखना है। यहाँ असाइन टू वाला जो दे रखा है इन्होंने, ये आप समझ सकते हैं ये एक ऑप्शन वाला है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आता है लाइक व्हाट इज़ योर जेंडर, तो उसमें आता है मेल फीमेल, या फिर उसमें आता है आस्क मतलब नॉट टू प्रेफर, जो भी है, तो ये ऑप्शन वाला होता है। ये हमारा थर्ड वाला जो है, और थर्ड और फोर्थ ये अपना कैसा है, ये भी एक इनपुट टाइप है, लेकिन ये एक अलग तरीके का है, ये डेट इनपुट टाइप है। उसके बाद ये फोर्थ वाला जो है, ये ऐसा वाला होता है कि हम इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, जैसे हम मेल फीमेल और अदर, ये इन तीनों में से हम एक चूज़ करते हैं, वो वाला है। और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वाला जो है, दोबारा से हमारा फर्स्ट वाले की तरह ही है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आ जाती है ऐड, वो है कि हम इसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा टिक मार्क वाले हमारे पास बॉक्सेस भी आते हैं, जिन पर हम टिक 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 करना ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं नॉर्मल हम एक इनपुट कैसे बनाते हैं। ठीक, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। सो हमने एक इनपुट बनाया, और उसका टाइप अगर हम टेक्स्ट देते हैं तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट वाला हमारा टाइप आ जाता है। ओके, सो इसके बाद हम एक और टाइप बनाते हैं, इनपुट हम बनाते हैं, लेकिन इस बार हम टाइप जो है इसका नंबर रखने वाले हैं। सेव किया, तो अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये वर्ड्स को नहीं लेगा, ये सिर्फ नंबर्स को लेगा, और आप ऊपर नीचे करके इसके नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आप लोगों ने br टैग यूज़ ना किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, br टैग का काम होता है ब्रेक करना लाइन को, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेक एक तरीके से बोल सकते हैं, ये ब्रेक कर दिया गया है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, काम करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, चलो अभी के लिए, अभी के लिए। लेकिन आप एक्चुअल जब प्रोडक्टिविटी वाला काम करोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं जैसे नेम। ओके, नाउ सेव। तो ये नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया, और यहाँ हम लिख देते हैं एज। ओके, सेव, एंड एज आ गया। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और बना देते हैं br। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं, एज हो गया, नेम हो गया। अब हम जेंडर वाला जो होता है वो कैसे बनाते हैं, तो हम बोलते हैं जेंडर। तो जेंडर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वो अपने टिक वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, इनमें से कौन सा चूज़ करना है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे वो जो हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, वो वाला ज़्यादा बेटर लगता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट, इसका नेम वगैरह और आईडी हम कुछ नहीं दे रहे अभी के लिए, इसकी वैल्यू भी देनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम ऑप्शंस बनाएंगे जिसकी वैल्यू होगी लाइक मेल, फॉर मेल ऑप्शन, नाउ
फीमेल फॉर फीमेल एंड ऑप्शन एंड अदर फॉर अदर ना सेव एंड चेक आउट। तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ चुका है, हमें इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर आप जनरली कभी देखते होगे यहाँ पे ना डायरेक्टली मेल सेलेक्टेड आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेल सेलेक्टेड हो रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेल सेलेक्टेड नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि यहाँ पे आए सेलेक्ट योर जेंडर और वो भी जैसे नॉर्मल उसमें आता है और वो सेलेक्टेबल ना हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक ऑप्शन और क्रिएट करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हम उसमें डालेंगे सेलेक्ट योर जेंडर। ओके नाउ सेव। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए लेकिन ये शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेलेक्टेड बट डिसेबल्ड, बट डिसेबल्ड। नाउ सेव एंड रीरन द कोड एंड नाउ ये जो है ये सेलेक्टेबल, तो मतलब सेलेक्टेड यहाँ दिख तो रहा है लेकिन ये चल नहीं सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अगर इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन ये तीन ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस वाले को क्रिएट करते हैं। अगर मैं वापस उस पर जाना चाहूँ तो नहीं जा सकते, अब हमको इनमें से कोई सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ये फॉर्म जब रन करें इनमें से कोई चीज़ खाली ना रह जाए, उसके लिए हम कैसे वैलिडेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है रिक्वायर्ड फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन नहीं है एट्रीब्यूट है सॉरी। तो हम यहाँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यहाँ यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड। ओके तो अगर मैं इधर आऊँ तो और इधर क्लिक करूँ, इधर क्लिक करूँ, इधर क्लिक करूँ, और अगर यहाँ पे मैं बटन भी बना देता हूँ, हम एक बटन बना सॉरी यहाँ नहीं सेलेक्ट के बाहर होगा, ठीक है यहाँ हम एक बटन बनाते हैं जिसका टाइप जो होगा वो मैं सबमिट कर देता हूँ। हमारे पास चार टाइप के बटन होते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म। ओके अगर मैं चलो इधर नाम भर दिया मैंने तो अब वो बोलेगा कि भाई ये भी रिक्वायर्ड है। ओके 45। अब मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया है लेकिन ये फॉर्म चल जाएगा, क्यों, क्योंकि जेंडर को मैंने रिक्वायर नहीं किया है, ये रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं अब यहाँ पे कुछ डालूँ और यहाँ पे कुछ भी डालूँ और उसके बाद इसको करूँगा तो ये अभी रन हो रहा है क्योंकि अभी ये रिक्वायर्ड हमने किया है। इसको सेव करते हैं एक बार, और मैं एक काम करता हूँ इस बटन में कुछ डाल देता हूँ लाइक सबमिट, ठीक है नाउ एंड ओके सेलेक्टेड को भी अभी के लिए काट देते हैं। ओके ओके चलो एक सेकेंड बैक। ओके नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इधर जैसे कुछ भी डाला, इधर हमने 1 2 3 4 डाला, सॉरी सॉरी वेट अ सेकंड गाइस। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो अब यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे आ जाते हैं सेलेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर अभी हमको एट्रीब्यूट डालना है, अभी ये हमने जैसे रिक्वायर्ड कर रखा है हम इसको काट देते हैं। सो ये हमारे पास एक ऑप्शन था, और जेंडर में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है जो हमने अभी देखा था रेडियो बॉक्सेस वाला, ठीक है। तो इनपुट टाइप हमारा क्या होना चाहिए, रेडियो, ये एक हमारे पास रेडियो होता है, एक चेकबॉक्स होता है। हम एक बार रेडियो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। रेडियो हमारा इस टाइप का होता है, जैसे अब मैं यहाँ पर अगर हम करें तो हमने एक रेडियो टाइप बनाया, अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कर देते हैं मेल सेव, ठीक है। और इसके आगे हमको इसका लेबल लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइक इसके आगे हम लिख देते हैं, अभी के लिए लेबल हम ऐसे बना नहीं रहे लेकिन लेबल लिखा जाता है, ठीक है। लेबल के लिए लेबल वाला हम कमांड यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है इनपुट, ये वाला भी हमारा रेडियो टाइप होगा, ठीक है। और नेम हमको अभी अभी नहीं चाहिए, बाद में हमको चाहिए होता है। आईडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आईडी आपको आना चाहिए। और ये हो जाएगा हमारा फीमेल, ठीक है। हम एक बार इसको दो पे ही रन करके देखते हैं, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। ये अभी दोनों सेलेक्ट हो रहा है, ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये हमको क्या चाहिए होता है, एक सेलेक्टेड, कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो। वो कैसे करते हैं, जैसे अब हमने यार रेडियो टाइप बनाया, तो अब इस रेडियो टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको देखो कोई भी अगर सिंटेक्स के अंदर या कुछ भी आपको जब आप वीएस कोड में आप खुद से जब सीख रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप हॉवर करो, आप उसके पर MDN की साइट पर चेक करो, या फिर आप जो भी आप प्रेफर करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप दे रखा है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, आप इन सब का यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है इस टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे पास,
इनमें से हमको ये वाला जो है रेडियो हमको लेना होता है। अब इसके अंदर क्या बता रहा है कि एक रेडियो बटन जो होता है, अगर हमको एक सिंगल वैल्यू सेलेक्टेबल बनानी हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सारे मल्टीपल चॉइसेस के अंदर सेम नेम की वैल्यू होनी चाहिए। ओके गुड, ठीक है, तो हम समझ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक और रेडियो बनाया था जिसकी वैल्यू हमने फीमेल देनी थी, उसको मैंने फीमेल दे दी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को नेम को सेम कर दूँगा, नेम इज़ इक्वल्स टू जेन, और इसके अंदर भी हम क्या कर देंगे, नेम इज़ इक्वल्स टू जेन, दोनों सेम हो गया। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देन इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर, इट इज़ वर्किंग। सो आगे हम आ जाते हैं। अब ये बटन जो है ये साथ में आ रहा है, इसको बी आर करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, देन ये नीचे आ गया। ओके, अभी ये बिल्कुल भी अच्छा फॉर्म नहीं लग रहा है क्योंकि ये डिज़ाइनर फॉर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसको आगे डेवलप करते हैं, इसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या रह जाता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास और कौन से हैं ऑप्शंस, पासवर्ड, नंबर, रेंज। रेंज वाला जो होता है हमारी रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है, वो हमारे यहाँ पे काम का नहीं है। जैसे हमने इंस्टाग्राम के अंदर देखा होगा वो बिल्कुल उसकी तरह ही होता है, लाइक जैसे हम इधर एक इनपुट बनाते हैं जो रेंज टाइप का होगा। इतने टाइप के हमारे पास हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इनपुट रेंज सेव। अब ये जो होता है ये ऐसे वाला होता है, इसकी एक अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट जब करेंगे तो उसकी वही वैल्यू जाएगी। यहाँ पे अभी भी रिक्वायर्ड वाला फंक्शन हमारा चल रहा है। ओके गुड, अब इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, ये हमारा रेडियो टाइप होता है, और हमारे पास इनपुट के अंदर इसके अलावा हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं जब हमको डिस्क्रिप्शन वाला चाहिए होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्मेट में जब हमको चाहिए होता है। अभी इसलिए हम इसको हटाते हैं और यहाँ आते हैं, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन टाइप का फॉर्मेट आ गया जिसके अंदर हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है, इसको आप लंबा छोटा जैसे मर्जी कर सकते हो, लाइक आप एक ब्लॉग पोस्ट साइट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ये चाहिए होगा, लेकिन हाँ ये इतना बेकार डिज़ाइन नहीं, इससे थोड़ा अच्छा डिज़ाइन। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ठीक है भाई, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये सारे हमारे बटन होते हैं, बटन हमारा जो हम सबमिट टाइप का बटन यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक रीसेट बटन भी होता है जो कि कोई यूज़ नहीं करता अभी, लेकिन हाँ वो बटन एग्जिस्ट करता है। हमको क्या करना होता है, बटन का टाइप बस रीसेट करना होता है और कुछ नहीं, हम इसका नाम भी रीसेट ही कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि हमने जो कुछ भी लिखा होगा फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, रीसेट कर देगा और हमारा बिल्कुल क्लीन फॉर्म बन जाएगा। लेकिन हमको इसके ऊपर एक वैलिडेशन भी लगाना चाहिए, हम इस पर क्लिक करें ऊपर पॉपअप आए कि क्या आप एक्चुअल में डिलीट करना चाहते हैं नहीं, वो सब हम जब जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट देखेंगे इसका तब हम देखेंगे, तो अभी के लिए हम जस्ट इतना देख रहे हैं। तो आगे जम करते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि मुझे एक फॉर्म बनाना है जो कि यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाए, तो वो कैसे बनेगा, सिंपल। अभी मैं इसमें CSS ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब हम थोड़ा CSS वाले पार्ट पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ HTML के लिए आए थे तो आप अब यहाँ पे HTML वाला पार्ट देख के आप अभी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम एक अलग बना रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको दो चार चीज़ें और नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ इनपुट टाइप बनाते हैं, एक काम करते हैं प्रॉपर एक फॉर्म बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम वगैरह काटते हैं। ओके, नेम यहाँ से काटा और यहाँ पे हम सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया, और इसके बाद हमको चाहिए एक और जो कि पासवर्ड कैरी करेगा, पासवर्ड। ओके, अभी इनका नेम और आईडी हमने अभी के लिए काट रखा है, बाद में हम दोबारा ऐड कर लेंगे, सेव। और ये सेकंड, अब सेकंड वाले में देखो हम पासवर्ड जब डाल रहे तो पासवर्ड के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ एक बटन बनाएंगे जो कि सबमिट टाइप का होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और इसमें हम बोलेंगे लॉगिन, नाउ सेव इट, एंड हो गया हमारा रेडी। ठीक है, तो अब इसमें सारा काम जो है, सारा इसमें जितना काम है ना, सब CSS का काम है। इस फॉर्म के अंदर हम एक और चीज़ डाल देते हैं, H1 के अंदर लिख देते हैं हम अपना लाइक कोड। ओके, सो हम अब इसको एक एक्चुअल फॉर्म के फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं, तो CSS, अब ये जो पार्ट हम कर रहे हैं CSS पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, एक CSS फाइल बनाते हैं, style.css,
और इसको यहाँ पे हम लिंक करते हैं। लिंक करने का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, आप लिंक यहाँ पे लिखो और उसके बाद यहाँ पे फाइल का एड्रेस आपको लिखना होता है। आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट कोई भी पाथ यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सेम फोल्डर में हैं तो हम रिलेटिव पाथ यूज़ करने वाले हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। नाउ सेव एंड चेक। हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, जनरली मैं ये करता हूँ, स्टार का मतलब पहले आपको बता दूँ, स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब पूरा कोड, पूरा एच टी एम एल पार्ट। इसके अंदर सिर्फ बॉडी नहीं होती, इसके अंदर बॉडी से भी ऊपर होता ही है, ठीक है। तो अब ये जो है इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो है इसका कलर मैं चेंज करके देख लेता हूँ कि हाँ ये वर्क कर रहा है, गुड। तो अब यहाँ देखो, मुझको ये जो फॉर्म है ना, ये कुछ कुछ मतलब मैं थोड़ा रिसेंबल करके आपको यहाँ दिखाऊँ कि किस टाइप का मुझे चाहिए। तो देखो ये तो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर आप चीज़ें लगेंगी, और इसके अंदर ये दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा जो डाल रखी हैं ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, ठीक है। लाइक ऊपर से हेलो आ रहा है, हम ये उसके बाद यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आएगा और यहाँ पासवर्ड आएगा और फिर ये सबमिट बटन आएगा। हम सिर्फ ये चीज़ें रखना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम मार्जिन ज़ीरो कर देते हैं, मार्जिन पैडिंग ज़ीरो। ये एक तरीके से इसका मतलब सी एस एस का बॉयलर प्लेट होता है जो हम बिल्कुल बेसिक काम जो करते करते हैं। तो अब हम बॉडी का, बॉडी के ऊपर आते हैं, बॉडी की हाइट वेट सेलेक्ट कर देते हैं, हाइट 100 वी एच और विथ 100 वी डब्ल्यू। ओके नाउ अब हम आते हैं बॉडी के अंदर, हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म की हाइट और विथ हम यहाँ डिसाइड कर देते हैं। हाइट जो होनी चाहिए उसकी मेरे अकॉर्डिंगली 400 पिक्सल होनी चाहिए और विथ जो है 300 पिक्स। नाउ इसके अलावा हम इसमें बॉर्डर क्रिएट करेंगे ताकि हम देख सकें उसे, बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। सेव द कोड एंड चेक कि हाँ ये बन तो गया है, लेकिन कोने में मुझे तो सेंटर में चाहिए। तो हम इसके फादर के पास चलेंगे, फॉर्म का फादर है बॉडी, इसमें हम आएंगे और इसका सिंपल सा कोड है डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये करते ही ये सेंटर में आ जाएगा, ओके गुड इनफ। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये मुझे चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में, तो इससे तो ये बहुत दूर है अभी, तो उसको कैसे हम पाएंगे तो हम देखते हैं। तो फॉर्म के अंदर मैं कह रहा हूँ ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स करो, इसके अंदर भी सेंटराइज करना है हमको, अलाइन आइटम सेंटर करो, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करो, लेकिन अभी ये बिगड़ जाएगा आप देखना। ये देखो बिगड़ गया ये, लेकिन मुझे ये सब चाहिए नीचे की डायरेक्शन में, ना कि रो की डायरेक्शन में, ये रो डायरेक्शन में है, मुझे कॉलम में चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन इज कॉलम, ओके नाउ सेव द कोड एंड आ गया ये। लेकिन अभी भी ये अच्छा नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि अभी ये बिल्कुल चिपका हुआ है, बहुत छोटा सा है, मुझे पूरे में चाहिए, पूरे में कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस इवनली में कन्वर्ट करेंगे, नॉट सेंटर। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब इसको ठीक करते हैं, अब इसको ठीक करते हैं, देखो कैसे करेंगे और इसको सुंदर कैसे बनाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम इसके अंदर इस ये जो इनपुट है ना, इनके अंदर ना लिखते हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, जैसे कि यहाँ अंदर लिखा हुआ है ना एंटर योर नेम एंटर योर ईमेल, तो वैसे ही इसके अंदर लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ आएंगे और इनपुट फर्स्ट वाले इनपुट के अंदर, एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट वाले इनपुट के अंदर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी यूज़र नेम, या फिर हाँ चलो यूज़र नेम अभी के लिए, और प्लेस होल्डर सेकेंड वाले के लिए हम बोलेंगे पासवर्ड। नाउ सेव एंड सी। वाह दिस इज लुकिंग मच बेटर, कम से कम अभी हाँ हमको समझ आ रहा है कि इसमें क्या डालना है। अब इसमें और देखते हैं और क्या करना है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो देखो इसमें अगर मैं बोलूँ इनकी वेट थोड़ी और बढ़नी चाहिए, तो हम इसमें आते हैं, फॉर्म के अंदर हमारा एक इनपुट है, अब ये सारे इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जनरल सबको लेके चल रहा है, एक सेकंड गाइस, अब हम इसमें आ जाते हैं। तो फॉर्म के अंदर हमारा जो इनपुट है अब ये सारे इनपुट को कलेक्ट करेगा, एक पे नहीं चलेगा सब पे चलेगा। तो अब यहाँ इनपुट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि हम इनपुट की विड्थ को 80% करना चाहते हैं, तो क्या ये बढ़ेगा, हाँ ये 80% कहाँ से हुआ है, मैं आपको रिलेटिविटी बताऊँ, ये जो इनपुट है ये किसका मतलब किसका चाइल्ड है, तो एक्चुअल में ये हमारे फॉर्म का चाइल्ड है।
तो फॉर्म का चाइल्ड है, इस वजह से ये 80% ऑफ फॉर्म बनेगा। ओके ये हमारा 80% ऑफ फॉर्म बनेगा। अब हम इसको और आते हैं, अब ऑब्वियसली बात है 80% फॉर्म बन गया, हाइट भी तो हमको कुछ चाहिए। इसकी हाइट हम इसको दे देते हैं 10%, चेक करते हैं छोटा होगा बड़ा होगा, देखते हैं। देखो बड़ा हो गया, 10% भी कितना बड़ा हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा है वैसे। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेफ्ट देते हैं, पैडिंग लेफ्ट देते हैं हम इसको 10 px की, ताकि ये इधर से स्टार्ट हो, अदरवाइज़ वो बिल्कुल चिपक के स्टार्ट होता, वो हमको नहीं चाहिए था। ठीक है ओके। अब मुझे चाहिए बटन का साइज़ भी इतना ही हो जाए यार, मतलब इतना छोटा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यही है, इनको कॉपी करता हूँ और मैं बोलता हूँ फॉर्म के अंदर एक बटन है, अगर आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है कि आप यहाँ चीज़ें देखोगे फिर ट्राई करो, देखो ट्राई करो, लगा लगा के देखो। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा है, तो आप इसको ये करके देखो, इससे क्या होगा, देखो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ सॉलिड लिखा है ना, सॉलिड के अलावा क्या कोई ऑप्शन होते हैं, तो आप इसको हॉवर करो, MDN पे जाओ और चेक करो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, डॉटेड हो गया, मैंने सेलेक्ट किया, देखो क्या हो गया, ये डॉटेड लाइन्स आ गई हैं यहाँ पे। तो ये सारे हमारे पास बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक बॉलर प्लेट है, अब मैं 1 px की जगह मैं 5 px करूँ तो क्या होगा, आप चेक करो, देखो बॉर्डर मोटी हो गई उसकी। हमारे ऊपर है सारे एक्सपेरिमेंट करना। ओके अभी के लिए हम ब्लैक करते हैं नॉर्मल, ठीक है, चलो इसको मोटा रहने देते हैं। इसको सेव किया, और लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ध्यान से अगर आप देखो तो इसकी जो विड्थ है ऊपर और इसकी विड्थ है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये क्यों है, जबकि हमने विड्थ जो है वो तो 80% दिया है, 80% दिया है, तो ये क्यों है। तो उसका आंसर होता है बॉक्स साइजिंग। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग ये जो फंडा है, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए आप जस्ट इतना समझ लो कि हमको बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स करनी होती है, जब हमको इनपुट के अंदर और बटन के अंदर का साइज सेम करना है। ठीक है नाउ, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबका साइज़ बिल्कुल इक्वल है, सो वी आर गुड टू गो नाउ। सो अभी ये फॉर्म दिखने में काफ़ी बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है, अगर मैं CSS में से हटाऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसको में और थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, जैसे कि इसमें क्या गड़बड़ लग रही है मुझे, जैसे मैं इधर डाल रहा हूँ और इधर मैंने पासवर्ड डाला और मैं इसको दबा रहा हूँ, तो ये मेरा चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये जो क्लिक करने पे जो ब्लू लाइन आ रही है ना, ये ब्लू लाइन मुझे नहीं पसंद, ये ब्लू लाइन क्यों मुझे आ रही है मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो उसका तरीका होता है आउटलाइन, आउटलाइन इज नन, नथिंग, नन कर दो इसको। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ब्लू लाइन नहीं आ रही है, जो कि अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे पीछे का बैकग्राउंड इन्होंने कर रखा है, ये लीनियर ग्रेडेंट है, हम उसको अभी नहीं छेड़ रहे, वो मतलब फिर वही है टॉपिक, ज़बरदस्ती हम ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं। हम आते हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड देते हैं, ये दे देते हैं। लेकिन अभी इसमें देखो क्या गंदा लग रहा है, कि ये जो फॉर्म है ये वाइट ही होता तो अच्छा लगता, तो हम वही करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है उसका बैकग्राउंड अलग बनाएंगे, उसको हम वाइट कर देंगे, सेव करेंगे और ये वाइट हो गया, सो दिस इज़ गुड। अभी यहाँ पे और क्या कमी लग रही है आपको, जैसे इसके अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर ना नीचे लाइन आ रही है, सबके नीचे लाइन आ रही है। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बॉक्स आ रहा है, लेकिन मुझे लाइन चाहिए उनकी तरह, बिल्कुल नीचे लाइन चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड। तो हम इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम इनपुट के अंदर, सिर्फ इनपुट में नहीं, हाँ अभी के लिए तो इनपुट, क्योंकि हमारे इनपुट का ही काम है, तो हम बोल रहे हैं कि इनपुट में बॉर्डर जो है उसको नन कर दो, या फिर हम इसको डायरेक्टली भी करना चाहें तो डायरेक्टली ट्राई करते हैं, बॉर्डर बॉटम जो है ना उसको 1 px सॉलिड ब्लैक बना दो, 1 px सॉलिड ब्लैक, सेव। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है, क्यों नहीं आए, क्योंकि उसके लिए वो पूरी की पूरी बॉर्डर सेम ही है, मतलब हमको पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं को बंद तो करना पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक ऑन है, तो हम बॉर्डर को नन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। तो अब ध्यान से देखो कि कोड कुछ अच्छा वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अगर बाद में कर दें इसके, तो देखो क्या होगा, सेव, तो वो पूरी बॉर्डर हटा देगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहले, आई एम सॉरी, क्योंकि पहले जो था हमने बॉर्डर बनाई बॉटम की, जिससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद हमने बॉर्डर मिटा दी, तो यहाँ पे सब गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले बॉर्डर को गायब करें और उसके बाद उसको बनाएं,
तो हमारा जो कंटेंट है वो बच जाएगा, वही हमको चाहिए। सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म रेडी है, ठीक है। सो दिस इज़ गुड फॉर्म, अभी हमने जस्ट इसको बनाया। इसके अलावा इसमें और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जैसे इसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं वो हम कैसे करते हैं। इसका बटन देखो, ये गोल घुमा हुआ बटन है, इसको कर सकते हैं हम। ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। जैसे हम इनको करके देख लेते हैं, बटन को मुझे राउंड करना है तो मैं इसमें बोलूँगा बॉर्डर रेडियस 50% या 50px, एंड हो गया। देखो हमारा गोल घूम गया, लेकिन ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, ठीक है, बॉर्डर बनाएंगे दोबारा से। बॉर्डर जो है हमारी 1px सॉलिड, 1px सॉलिड ग्रे होनी चाहिए, मतलब हल्के कलर की थोड़ी। तो ये देखो हो गया हमारा। अब इसमें हम और चीज़ें भी छेड़ सकते हैं, जैसे हमने गोल कर लिया, इसका बैकग्राउंड अलग बनाते हैं, ठीक है। इसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं और वो हम लीनियर ग्रेडिएंट यूज़ कर लेते हैं। चलो दो कलर हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लू ब्लैक, ओके, ब्लैक टू, एक सेकेंड टू, एक सेकेंड, नहीं अभी हम इसको हटा देते हैं। तो ये इस तरीके का आया है, ठीक है, टू राइट, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ब्लैक नहीं, हम हल्का कलर लेंगे कोई, ओके। ये हमारा इस तरीके का, लेकिन मुझे टू राइट वाला चाहिए फॉर्मेट। तो हम एक बार यहाँ पे आते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, ऊपर हम देख लेते हैं टू राइट टू लेफ्ट कैसे करते हैं इसके अंदर। तो नो रिपीट वगैरह सेंट्रलाइज हो गया, ओके 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 ओके। यहाँ पे नहीं दे रखा डायरेक्टली, हमको सर्च करना पड़ेगा। हमको जो है कंटेंट जो चाहिए वो चाहिए लीनियर ग्रेडेंट, लीनियर ग्रेडेंट सर्च करते हैं, लीनियर लीनियर लीनियर, ओके लीनियर ग्रेडियंट, ओके यहाँ लीनियर ग्रेडियंट नहीं दे रखा, तो फिर कोई बात नहीं। चलो अभी के लिए हम इसको सिर्फ एक पिंक कलर का कर देते हैं, अभी के लिए लीनियर ग्रेडियंट हटा देते हैं। पिंक सेव, लेट्स चेक, इज इट लुकिंग, या इट्स लुकिंग गुड। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी कर सकते हैं हम। ये अभी हमने बहुत छोटा सा कोड लिखा है, जैसे अभी ये राउंड कर दिया है, मैं चाहता हूँ इसको भी राउंड कर दूँ तो उसको भी राउंड कर देंगे। ये एक्चुअल में क्या था, फॉर्म है। तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया बॉर्डर रेडियस को 50 किया, हम इस बार थोड़ा कम कर देते हैं 10px। सो देखो ये ऐसा हो गया, और ये जो मोटी बॉर्डर है इसको हम पतली कर देते हैं। यहाँ पर हमने 5 पिक्सल किया था, इसको 1 पिक्सल कर देते हैं। तो दिस इज लुकिंग मच बेटर। अगर मैं इसी कोड को अगर हटा दूँ, ये हमने अभी यहाँ पे जो 45 लाइन्स का जो हमने CSS लगाया है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, तो देखो ये हमने बनाया है, ये होती है हमारी क्या, HTML। और जो हमने अभी 45 लाइन्स ऑफ कोड में जो CSS लगाए, उससे ये बन सकता है। सो ये जो है हमारा यहाँ पे वीडियो, हम यहीं पे कवर करते हैं ख़त्म। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़े और CSS के बारे में जानेंगे, और HTML में हम फॉर्म, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि फॉर्म, ओके ठीक है, समझ गए हम कि ऐसे बनता है, लेकिन इसको हम और मतलब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जो अपने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लेके आके आपको रेफरेंस में दिखाऊंगा कि मतलब उनमें मैंने फॉर्म बनाया और वो फॉर्म वर्क कैसे कर रहे हैं, ओके। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए। और इसके अंदर आपको कोई भी नई चीज़ आपको ऐड करनी हो, सजेशंस हो, प्लीज़ बताइए। जैसे कि मान लो आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये बहुत छोटा लिख के आ रहा है, इसको बड़ा कैसे करेंगे, या फिर ये जो यहाँ पे जो फॉन्ट का जो स्टाइल आ रहा है इसको कैसे चेंज करते हैं, या फिर मान लो सिर्फ मुझे एक स्पेसिफिक जगह ही अगर चेंज करना है तो कैसे करूँगा। ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं। कई लोगों के पास थोड़ा क्रिएटिव दिमाग होता है तो वो और चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ तो ये अलग कलर का क्यों नहीं हो रहा, मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ चेंज क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बहुत प्यार से। तो ये सारी चीज़ें आप डाउट्स ले लो और उनको ट्राई करो, नहीं हो रहा आप सर्च करो और आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट DM कर सकते हो मुझे, ओके। सो टिल देन हम यहाँ पे रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे HTML एंड CSS, देन उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट पे हम जंप करेंगे, ओके। सो बाय गाइज़।